यार क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो, आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की बहुत ही खतरनाक शादियों के बारे में। तो चलो यार मित्रों, आज तूफान आने वाला है, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का। सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मित्रों जब भी पाकिस्तान की शादियों की बात होती है तो यार सबसे पहले खाने की बात होती है। यहाँ पर देखो यार लोगों को कैसे, यानी कि बरातियों को कैसे टेंट के साथ रोका जा रहा है। देखो यार लोग कैसे गाजर मूलियों की तरह इकट्ठे हो रखे हैं। ये लोग यही बोल रहे होंगे एक बार, सिर्फ एक बार टेंट हटा दो, हम तगड़म तगड़म करके यहाँ पर तबाही मचा देंगे। फिर क्या था, टेंट को खोल दिया जाता है और देखो यार लोग कैसे दौड़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को छुट्टी नहीं होती स्कूल से और वो भागते हैं, ठीक वैसे ये लोग शादी के खाने पर टूट पड़े हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। लगता है कि बारातियों ने एक हफ्ता पहले से ही खाना बंद कर दिया था। देखो यार कैसे झपट पड़े, अबे ऊपर वाले से डरो शर्म करो। और इस चाचा के फेस पर स्माइल देखो यार, जैसे कि बहुत बड़ी जंग जीत कर आया हो। मित्रों हमारे यहाँ शादी मनाई जाती है, वहाँ पर शादी लूट ली जाती है। देखो यार लूट लिया पूरा खाना शादी का। जान दे देंगे इसके लिए। और यहाँ पर देखो यार ये रस्म भी शायद पाकिस्तान में होती है, यानी कि दूध पिलाई रस्म। दूध पिलाई रस्म के लिए सालियों ने घेर लिया दूल्हे को और यार पैसे वसूलने लगी। और जैसे ही पहिए को घुमाया यार देखो पूरा 1,00,000 रुपया आ गया। अरे ये दूध पिलाई रस्म नहीं, दूध निकालो वाली रस्म है, यानी कि दूल्हे का दूध निकाल, मेरा मतलब कि खून पसीने की कमाई, यानी कि खून निचोड़ लिया दूल्हे का। अबे दूल्हे सालियों को 1,00,000 रुपया मत दे देना, उनको सिर्फ 50,000 देना, क्योंकि साली है आधी घर वाली, इसलिए आधे पैसे दे देना। और यहाँ पर देखो यार यहाँ भी दूध निकालो रस्म, मेरा मतलब कि दूध पिलाई रस्म चल रही है। और देखो यार कैसे वसूली की जा रही है सालियों के द्वारा। फिर क्या था, दूल्हे को पैसे देने पड़ते हैं और दे दिए पैसे। अबे अबे पप्पी क्यों दे रही है, उसे दूध पिला। लेकिन नहीं यार इसको तो पहले पप्पी देनी है। रहा नहीं जाता। और आखिर में दोस्तों होगी दूध पिलाई रस्म, यार पिला दिया दूल्हे को दूध और दुल्हन को भी पिला दिया। मित्रों हमने देखा है कि दूल्हा दुल्हन के घर घोड़ी पर सवार होकर जाता है, या फिर गाड़ी में जाता है, बाइक पर जाता है, अरे साइकिल पर जाता है। लेकिन नहीं यार यहाँ पर देखो यार बंदा पूरी की पूरी जेसीबी लेकर आ गया। अबे और दूल्हे की तरफ देखो यार कैसे हाथ हिला रहा है, जैसे कि बहुत बड़ा स्टार हो। अबे जेसीबी पर ही चढ़ा है, कौन सा रॉकेट पर चढ़ गया है। तो चलो यार मित्रों अब डांस की बात कर लेते हैं। ऐसा वैसा डांस नहीं यार, बिल्कुल तूफानी डांस। यहाँ पर देखो यार लगता है कि अंकल ने 4 पैगल गए हैं यार, पता नहीं शायद नहीं लगाए हैं। देखो यार कैसे डांस कर रहे हैं। यार मुझे तो लगता है कि अंकल जी के बहुत पैग वैग लग चुके हैं यार, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बाकी यार अंकल ने बारात में बिल्कुल तबाही मचा रखी है। अब यहाँ पर देखो यार इस अंकल को, अंकल ने क्या डांस किया है देखो आप। अरे वाह वाह मित्रों, हमने देखा है कि शादियों में लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं जैसे ही कोई सदमा लगा हो। लेकिन यहाँ पर देखो यार अंकल जी फुल एनर्जी में हैं, जोश हो तो यार बिल्कुल इस अंकल जी जैसा नहीं तो जिंदा तो पार्क की घास भी है, यानी कि गार्डन की घास दोस्तों, गार्डन गार्डन। हम मित्रों यहाँ पर देखो पता नहीं दूल्हा और दुल्हन को कौन सा सदमा लगा है। अबे तुम्हारी शादी है, आग लगा दो, तूफान ला दो। लेकिन नहीं यार देखो यार कैसे उदास होकर बैठे हैं। अरे यार रिश्तेदार आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा और दुल्हन की तरफ देखो यार ढंग से हिल भी नहीं रहे। अबे बिल्कुल तूफान ला दो, जोश ला दो, यहाँ पर टेंट फाड़ दो, सोफे को उल्टा कर दो। लेकिन नहीं यार देखो कैसे उदास होकर बैठे हैं। मजा आया, यहाँ तो जो होना था हो गया, लेकिन आपको अपनी शादी में बिल्कुल जोश में रहना है और हर तरफ तबाही ला देनी है। तो चले यार मित्रों मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का। सब्सक्राइब बटन को काला करो, उखाड़ फेंको।